नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल RPSC स्टडी हब पर। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लेके आया हूँ जो मद्रास हाई कोर्ट ने अभी अभी यहाँ पर 17 अगस्त को दिया था। तो हुआ ये कि मद्रास हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति ने एक अपील दायर की। अब वो अपील ये थी कि मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। अब वो अपील ये थी कि पहली बार लोकसभा के आम चुनाव हुए 1952 में, फिर हुए 1957 में, फिर 1962 में और फिर 1967 में। अब आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, जो जिसका आधार वर्ष यहाँ पर 1970 में अमेंडमेंट करके जिसका आधार वर्ष 2026 रखा गया था। तो अब ये हुआ ये कि हमारे संविधान का आर्टिकल 81 और 82 लोकसभा में लोकसभा राज्यसभा में सीटों के निर्धारण से संबंधित इसके प्रावधान है आर्टिकल 81 और 82 में। अब जब पहली बार आम चुनाव हुए तो तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की सीटें थी 41। फिर उसके बाद दूसरे आम चुनाव हुए लोकसभा के तो तमिलनाडु में सीटें 41 थी लोकसभा की। फिर 1961 की जनगणना में तमिलनाडु की जो साउथ के स्टेट्स हैं उनकी जनसंख्या तो हुई कम, और उन्होंने तो जनसंख्या पर नियंत्रण किया और जो हमारे नॉर्थ के स्टेट थे उन्होंने क्या जनसंख्या पर ताबड़तोड़ वृद्धि की। तो अब हुआ ये कि अब उन्होंने तो जनसंख्या में वृद्धि की तो उन्हें तो इसका फल मिल गया, उनकी सीटें बड़ी लोकसभा में, और साउथ वालों ने जनसंख्या नियंत्रण किया, एक नेक काम किया, लेकिन उन्हें उनकी एक तरीके से कह सकते हैं सज़ा मिली और उनकी लोकसभा की सीटें कम हो गई। तो 1962 के आम चुनाव के बाद तमिलनाडु की लोकसभा की सीटें हो गई थी कितनी, 39। तो उनकी दो सीटें 62 के चुनाव के बाद में कम हो गई थी लोकसभा की। अब यहाँ पर अपील ये दायर की गई थी, एक तो हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर रहे हैं, दूसरा आप हमारी लोकसभा की सीटें कम कर रहे हो, और ये तो बात जायज ही है कि जैसे जितना छोटा लोकसभा क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा विकास हो गया, जितनी लोकसभा की सीटें होती है उतना ज़्यादा विकास के कार्य होते हैं, क्योंकि एक सांसद लगभग 200 करोड़ के विकास का कार्य करवाता है, 200 करोड़ के विकास का कार्य कराता है एक सांसद एक सीट पर। अब उन्होंने तो जनसंख्या की नियंत्रण करके एक अच्छा काम किया, फिर उन्हें उनका फल मिला, दो सीटें कम हो गई, तो उनके विकास का कार्य कितना रुक गया यहाँ पर 400 करोड़ का। तो मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आपने हमारी दो सीटें कम की, अब तक लोकसभा के 14 चुनाव हो चुके हैं, 14 इंटू यहाँ पर 4 हो गए तो 5600, तो उन्होंने 5600 करोड़ रुपये का जुर्माना यहाँ पर केंद्र सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा क्या तो आप हमें 5600 करोड़ रुपये दीजिए, क्योंकि आपने हमारे दो विकास कार्य रोके हैं, माफ़ कीजिएगा, दो लोकसभा सीट कम की हैं, एक सांसद एक लोकसभा सीट पर 200 करोड़ का कार्य कराता है, कुल 400 करोड़ हुए, दो सीटें कम की हैं और 14 साल तक दो सीटें कम रहीं, दो सीटें कम से तमिलनाडु लोकसभा के चुनाव हुए और आप हमारे 5600 करोड़ रुपये कम कर दिए, 5600 करोड़ का विकास कार्य की काम रुकवाती है आपने, क्या तो आप हमें 5600 करोड़ रुपये दीजिए या हमें हमारी राज्यसभा में दो सीटें बढ़ाकर उसका मतलब उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए, दो सीटें बढ़ाइए। अब ये तो है कि लोकसभा की एक एक सीटों का बहुत महत्व है। आप जैसे देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, अब उस टाइम अगर तमिलनाडु की दो सीटें होती अगर कह सकते हैं अपन, तो पता नहीं एक भी वोट मिलता तो वाजपेयी जी की सरकार बच जाती। तो और वो दूसरा महत्व ये भी है कि जितनी लोकसभा की सीटें होंगी, जितना कम क्षेत्र होगा उतना विकास के कार्य होंगे, नाममात्र से सही कुछ तो कार्य होते हैं विकास के कार्य है। तो आपने दो सीटें कम कर हमें मतलब हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है, तो आप हमें 5600 करोड़ रुपये का यहाँ पर 5600 करोड़ रुपए दीजिए। तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला है, 4 हफ्ते बाद इस पर निर्णय आएगा, यहाँ 4 हफ्ते का टाइम दिया है, अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी, 10 अक्टूबर को
अब देखते हैं 10 अक्टूबर को मद्रास हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है। केंद्र सरकार को टाइम दिया है 4 हफ्ते का, देखते हैं अब उस पर क्या कहती है। पर ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और अभी तो यहाँ पर जातीय आधार पर जनगणना की भी बात चल रही है, तो ज़रूरी कुछ ना कुछ मतभेद ज़रूर होगा। तो देखते हैं कि क्या फैसला आता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल RPSC स्टडी पर, जहाँ पर आपको हर वक्त की अपडेट मिलती रहेगी।